साथियों नमस्कार, आपको दिखा रहा हूँ कुलधरा गांव जैसलमेर। और इस गांव की संख्या जो अलवर में आजमगढ़ भानगढ़ किला है उससे दी गई है। कहते हैं कि ये भी एक भूतिया गांव है क्योंकि इसके अंदर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। अब टिकट ले लेते हैं, 30 रुपये का टिकट है प्रत्येक कैंडिडेट का और 50 गाड़ी का, 20 मेंबर। साथियों नमस्कार, आपको दिखा रहा हूँ कुलधरा गांव जैसलमेर। और इस गांव की संख्या जो अलवर में आजमगढ़ भानगढ़ किला है उससे दी गई है। कहते हैं कि ये भी एक भूतिया गांव है क्योंकि इसके अंदर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। अभी आपको मंदिर दिखाऊंगा और उसके बाद में टोटल पूरा गांव, यहाँ का पूरा इस गाँव के अंदर घुमाऊंगा क्योंकि कहते हैं ये गाँव एक ही रात में पूरे पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने खाली कर दिया था। इसके साथ में यहाँ के आसपास 83 गाँव के जो पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग थे वो भी चले गए थे। आगे चल, ये मंदिर है और मंदिर के अलावा आसपास आपको इधर भी दिखा देता हूँ, पूरा गांव खंडर में तब्दील हो चुका है। आसपास चारों गांव तो यहाँ मंदिर है, कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। कहते हैं इस गांव के बारे में जो चला गया था वो दोबारा लौट करके नहीं आया था। अगर इसके साथ में एक किंवदंती और जुड़ी हुई है, अगर जो दोबारा इस गांव के आसपास के जो चले गए थे दोबारा आ गए थे उनका कोई वंश नहीं बढ़ा। वैसे इस गांव के अंदर कोई नहीं है लेकिन जो दोबारा लौट करके आ गया उसके बारे में कहते हैं कि कोई उनको वंश नहीं बढ़ा। साथियों यह है उस वक्त का पालीवाल ब्राह्मण समाज का और इधर भी अजोर है, एकदम खंडर हो चुका है। यह इनका घर था और इसके बारे में कहते हैं कि रात को शाम होने के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ कोई नहीं आता। कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे आवाजें आती है विभिन्न प्रकार की, तो आगे और दिखाएंगे। ये इस गांव में मंदिर है और केवल ये मंदिर बचा है, बाकी कोई पूरा गांव खंडर तब्दील हो गया। साथियों इस गांव के बारे में कहते हैं कि ये लोग इतने सक्षम थे कि यहाँ से बिजनेस करते थे दूसरी कंट्री में, उस वक्त की बात है। और लगभग 200 साल पुराने पहले इस गांव को छोड़ करके चले गए थे। आज एक यहाँ पर एक मंदिर है, बाकी और कुछ नहीं है। साथियों इस गांव की मैं इसकी किंवदंती बता देता हूँ। जब यहाँ का कोई जो पालीवाल ब्राह्मण के मुखिया थे, उस गांव के मुखिया की बेटी थी, उसको यहाँ के जो राजा का मंत्री था, मंत्री उस पालीवाल ब्राह्मण समाज की जो मुखिया थे उसकी लड़की के साथ में शादी करना चाहता था और इसकी वजह से ही पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों में और मंत्री के बीच में खासुनी हो गई और ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि इस गांव करके वो एक छोड़ करके चले जाए। साथ ही ये इनके मकानों की छत थी, केवल यही मकान बचा है खंडर में, बाकी ये देख सकते हो आप इतनी मजबूत लकड़ी है की छत बना करके 2 मंजिला इसको बना रखा है। साथ ही उस वक्त की हवेलियां थी जो यहाँ के मुखिया होते थे उनकी, और आपको दिखाएंगे जो भूतिया जो चुड़ैल की हवेली है वो भी दिखाएंगे आपको। और ये छत्रियां थी उस वक्त की, ये हवेली आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ के लोग विदेशों में व्यापार करते थे हीरे मोती जवाहरात का, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे इस गांव के पास में थे। और जब जैसलमेर के राजा को पता चला था उन्होंने इसको इस गांव के ऊपर भारी टैक्स लगा दिया था। जैसलमेर के राजा के जो मंत्री था सालिम सिंह, उसको इस एक दिन घूमता हुआ इस गांव के अंदर पहुंच गया और यहां के जो मुखिया थे रामचंद्र उसका नाम था, और रामचंद्र जी की लड़की को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अति सुंदर थी, तो उसकी सालिम सिंह की उसके ऊपर बुरी नज़र पड़ी और उसने कहा कि मैं इस गांव के मुखिया की लड़की से शादी करना चाहता हूं। गांव के लोगों ने मना कर दिया था और मुखिया के कहने की वजह से पूरे गांव के लोगों ने यहां से खाली कर दिया। कहते हैं कि इसके आसपास के 83 गांव के जो पालीवाल समाज के लोग थे, वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो भी गाँव छोड़ करके चले गए थे। आज तक उनको किसी को पता नहीं कि ये लोग किधर गए। कहते हैं कि यहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो चल नहीं सकते थे, उनके लिए उन्होंने यहीं पे आत्महत्या कर ली थी और आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। कई मूवी इस जगह पे बनी है इस गांव के अंदर कुलधरा में। और वो कहते हैं कि जब सरकार भी यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद में किसी भी आदमी को आना परमिशन नहीं देती,
यहाँ किसी को रात गुजारने की सरकार ने सख्त मना कर रखा है। और कई लोग यहाँ पे आए थे, कहते हैं कि ये सामने जो दिख रहा है नई बिल्डिंग, इसमें भी कैफे खोलने की कोशिश की थी और एक ही रात में पूरा कैफे खाली हो गया था। ये पूरा जो दिख रहा है आपको टेंट वगैरह, तो यहाँ कैफे खोलने की भी कोशिश की थी लेकिन वो कैफे भी सक्सेस नहीं हुआ। और कहते हैं यहाँ इस गाँव से अगर कोई पत्थर वगैरह ले गए तो उसके घर पर भी आत्माओं की आवाज़ आती है। कुलदरा गाँव के जो लोग कहते हैं यहाँ पे बड़े बुजुर्ग आत्महत्या कर लेती है, आज सबसे ज़्यादा भी इस पालेवाल ब्राह्मण समाज के लोगों की आत्मा यहाँ भटकती है ऐसा कहा जाता है। ये इतने लोग थे, इतने पैसे वाले थे कि उस वक्त भी लोग क्योंकि जो जैसलमेर का राजा था, वहाँ के वो मंत्री था सालिम सिंह, उन्हीं की दृष्टि इन सरपंच की लड़की के ऊपर पड़ी थी और उनकी वजह से ये पूरा गांव खाली होकर के चला गया। कहते कि सिल्क ग्राम था, यहाँ से चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बाहर तक व्यापार होता था। और ये कहते हैं कि चुड़ैल का घर है ये, और ये इसके बाहर में जो उस टाइम का व्हाट्सएप मैसेंजर पैसेंजर जो भी था ये था, ये क्योंकि धट मकान एक दूसरे से टच थे, आपस में महिला एक दूसरे से बात करती यहाँ पे। और अभी केवल इसको क्या है कि मिट्टी वगैरह से लेप करके दोबारा थोड़ा खड़ा तैयार कर रखा है। ये इनकी रसोई थी उस वक्त की।